हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेसन माइक्रो में। आज का ट्यूटोरियल है 40 कोरल। इसके लिए जो आप पिक्चर में कोरल देख रहे हैं पर्पल कलर का, वो हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 mm का ट्विस्टेड माइक्रो में, और ये सिंगल कॉर्ड ट्विस्टेड माइक्रो में है। तो इसके लिए मैंने एक 38 इंच का का थ्रेड काट लिया है और उसको डबल कर दिया है ऐसे। और उस पर हम 3 थ्रेड ऐड करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं मैंने दो बंडल थ्रेड काट के रखे हुए हैं। उनमें से एक बंडल है 35 इंच का, दूसरा बंडल है 25 इंच का। तो हम सबसे पहले 35 इंच वाले बंडल से तीन थ्रेड इस पर ऐड करेंगे, और उसके बाद में हम जो 25 इंच वाला बंडल है उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी जब हम थ्रेड छोटे करने वाले हैं। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि लर्क हेड नॉट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे थ्रेड ऐड करने के लिए। और लर्क हेड नॉट का ट्यूटोरियल आपको देखने हैं तो मैं इस पर लिंक डाल दूँगी यहाँ पर, तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और लर्क हेड नॉट दो तरीके से बनती है, आप कोई भी इस पर लर्क हेड नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप इसमें 3 थ्रेड ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा सर्कल टाइप का बनाया है, ये देखिए। और उसके सर्कल बनाने के लिए मैंने ये जो लूप लास्ट में बचा हुआ है उसमें से बैक साइड वाला या दूसरा एंड उस थ्रेड का इससे निकाल दिया है और इसको खींच लिया है, जिससे ये पूरा सर्कल बन जाए। और बीच में इसमें होल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा कुछ बनाना नहीं है जिससे हमें बीच में होल रखना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद में इसको पिन डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम इसमें एक 5 मीटर का थ्रेड इस पर टाई करेंगे। आप चाहें तो इस पर 2-2 मीटर या 1-1 मीटर का भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इस पर डबल हिच नॉट लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस पर एक दूसरी टाइप की डबल हिच नॉट यूज़ कर रही हूँ। उसको ट्यूटोरियल में जल्दी बनाने वाली हूँ और आपको इजीली जिससे पता चल जाएगा कि मैं डबल हिच नॉट किस तरह से बनाती हूँ। और इस टाइप के लाइक जिस पे 5 मीटर या उससे ज़्यादा 6-7 मीटर आपको थ्रेड ऐड करना होता है जिससे आप डबल हिच नॉट बना रहे हैं, उसमें आसानी होती है ये तरीका यूज़ करने में, क्योंकि डबल हिच नॉट हम दूसरे तरीके से भी 2-3 तरीके से भी बना सकते हैं। अब देख रहे हैं कि मैं ऐसे सर्कल में डबल हिच नॉट बना रही हूँ जितने भी थ्रेड इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद हम इस पर थ्रेड ऐड करना भी शुरू करेंगे। जो मैं डबल हिच नॉट की बात कर रही थी वो ये तरीका है। अगर आप वैसे तो इतना इजीली इसमें दिख रहा है, अगर आप चाहें तो इसको थ्रेड को ऐसे बेसिकली ट्विस्ट करना है और आप जिस थ्रेड पर लगा रहे हैं उसको बीच से निकालना है जो लूप बनता है, तो आप चाहें तो इस पर ये तरीका अपना सकते हैं। और एक बार आप ट्राई करेंगे तो ये आसानी से बन भी जाएगा। इसका ट्यूटोरियल मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ मैंने एक एक लाइन डबल हिच की बना दी है। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम दूसरी साइड भी आ गए हैं, तो बेसिकली ये एक लाइन डबल हिच नॉट की बन गई है। अभी हमें यहाँ पे दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी गैप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक थ्रेड ऐड कर रहे हैं। ये बेसिकली हम कंटिन्यूसली इस पर करते जाएंगे इस कोरल को बनाने में। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं थ्रेड किस टाइप से ऐड कर रही हूँ। तो जिस थ्रेड एक थ्रेड लेना है कोई भी जिसके अराउंड आप ऐड कर रहे हैं, उसके नीचे आप इस तरह से इसको पिन डाउन कर लीजिए दोनों को। और पहले आप थ्रेड की जो आप थ्रेड ऐड कर रहे हैं उस पर डबल हिच नॉट लगाइए, फिर बीच वाले जो उसमें ऑलरेडी एडेड है उस पर एक डबल हिच नॉट लगाइए, फिर आप उसके दूसरे साइड जाके दूसरे थ्रेड पे डबल हिच नॉट लगाइए। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले थ्रेड के एक पार्ट में डबल हिच नॉट लगाइए, फिर आप उस बीच वाले थ्रेड पे लगाइए जो ऑलरेडी उसमें एडेड रहेगा, और फिर आपके थ्रेड के दूसरे टाइप
दूसरे साइड में डबल एच नॉट लगाइए, जिससे कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है जैसा ये जैसा है, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने थ्रेड ऐड किया है। अगर आप किसी और तरीके से ऐड करते हैं तो इसमें पॉइंट दिखने लगता है, जिससे आपको पता चलता है कि थ्रेड एडेड है। तो ये हम प्रोसेस कंटिन्यूस करते जाएंगे जहाँ भी हमें गैप दिखता है, क्योंकि हमें इसको बढ़ाते गैप को बढ़ाना नहीं है। अगर हम गैप को बढ़ाएंगे तो ये बाउल के शेप में आ जाएगा, बिल्कुल ही ये सर्कुलर मोड में चला जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको, क्योंकि फ्लैट रखना है, इसके लिए हम बीच बीच में इस पर थ्रेड्स ऐड करते जाएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैंने एक थ्रेड पे ऐड किया है, फिर उस पे हमने फिर नेक्स्ट वाले पे हमने डबल एच नॉट लगाई है, फिर हम दूसरे पे ऐड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे हम डबल एच नॉट लगाएंगे। तो बेसिकली हम इनको सिक्योर करने के लिए एक थ्रेड पे लगाते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद दूसरे पे हम नहीं लगाते हैं, और उसके बाद में एक दूसरे पे लगाते हैं थ्रेड और फिर नेक्स्ट वाले पे नहीं लगाते हैं। ये एक अल्टरनेट प्रोसेस करते जाते हैं तो हमें आसानी होती है।
जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपने इस पर आप चाहें तो इस पर 5 या 2 मीटर का थ्रेड या 1 मीटर का थ्रेड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रोसेस किया है, अगर आपने 1 या 2 मीटर का थ्रेड ऐड किया है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका थ्रेड ख़त्म हो जाता है, आप दूसरा अपने चॉइस 2 मीटर या 3 मीटर या 1 मीटर का थ्रेड दोबारा सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं डबल हिच नॉट बनाने के लिए। और हम सेम प्रोसेस करते जाएंगे, जैसे ही हमारा थ्रेड्स के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, हम बीच में एक थ्रेड ऐड कर देते हैं। सेम प्रोसेस है जो मैं अभी तक आपको दिखाते आई हूँ। और क्योंकि हमें इसको गैप बढ़ाना नहीं है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें ये फ्लैट रखना है। और एक बार ये आपको अपने साइज में दिख जाता है, जितना साइज़ का आपको कोरल रखना है, आप ये इस हिसाब से रखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, आपने दूसरे कोरल उसमें कितने लंबे लगाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो आप अपने ऑब्वियसली अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपको लंबा रखना है। अगर आपको चाहिए कि मैं जो मैंने कोरल बनाया, सी कोरल, और इसका जो हैंगिंग बनाई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो दिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसको बना सकते हैं खुद ही आप कोरल, क्योंकि मैंने कोरल बनाना दिखा दिया है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर कैसे अटैच करती हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो उसके बाद में मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उस पर दिखाऊँ आपको कि मैंने कैसे कैसे वो ऐड किए हैं कोरल्स अपने सी के वॉल हैंगिंग में। और बेसिकली आप ये वॉल हैंगिंग बनाने के बाद आप अपने सी के एनिमल बना सकते हैं, जो समुद्री वाले एनिमल, फिश जैसे हो गया, सी हॉर्स हो गया, मरमेड हो गई, और जेली फिश हो गया, जैसे कि आप पिक्चर में जेली फिश देख रहे हैं। तो ये सब ऐड करने के बाद आपका ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग तैयार होता है। और इस टाइप के वॉल हैंगिंग आप अगर आप अपने बाथरूम या किसी गार्डन के साइड में लगाते हैं, जो आपका फाउंटेन के साइड में, या आप अपने बालकनी में जहाँ पे अपने छोटा सा फाउंटेन रखना, ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये बहुत ही अमेजिंग पीस है। इनफैक्ट आप अपने बच्चे के या बेटी, बेसिकली गर्ल्स के बेडरूम्स में भी लगा सकते हैं, उनके बाथरूम में लगा सकते हैं उसका शोकेस करने के लिए। ये बहुत ही सुंदर दिखता है।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने इतना यहाँ पे सेम ही प्रोसेस करते करते इतना बड़ा कर दिया है। उसके बाद में ये देखिए, मैंने उस प्रोसेस के बाद में मैंने बीच में गैप थोड़ा बढ़ा दिया है, बट हमने इसको फ्लैट रहने दिया है। तो बेसिकली जो थ्रेड से हम डबल एच नॉट लगा रहे हैं उसका गैप बढ़ा दिया है, तो ये फिर भी फ्लैट रहा। ये देखिए आप, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा नेट वाला इस पे देना था, जो जाली जाली वाली इस पे आता है लुक, वो मुझे लुक चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस पे बीच बीच में गैप देना शुरू कर दिया था। तो ये आप कई भी तरीके से बना सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया था और मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने इसका ट्यूटोरियल दिखाया। और आप चाहें तो इसको सेम बिना गैप वाला भी बना सकते हैं, फिर आपको थ्रेड ऐड करते रहना है। तो इतना इतना बनाने के बाद आप 25 सेंटीमीटर वाले थ्रेड ऐड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जो 35 मिलीमीटर वाले थ्रेड आपने बिगिनिंग से शुरू से ऐड किए थे वो अब छोटे भी हो गए होंगे, तो आपको क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो आप यहाँ से 25 मीटर वाले ऐड कर सकते हैं थ्रेड। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको कितना लंबा रखना है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे मैंने एक और थ्रेड ऐड किया था, तो वो काफ़ी छोटा था। तो आप ये देखिए कि मैंने आपको एक थोड़ा सा ईजी और स्लो प्रोसेस में दिखाया था, तो ये इस तरह से मैंने बेसिकली किया था कि आपको ये दिखे कि मैं बेसिकली डबल हिच नॉट ये वाली किस तरह से बनाती हूँ। और हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे, सेम ही प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं किया है। और अगर आपने इतना बना लिया है तो आप बेसिकली 100% ये कोरल आसानी से बना सकते हैं। देखिए कि ये इतना कोरल बनने के बाद आप बेसिकली इतना लंबा भी आप बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा और लंबा किया है। तो हम इसके दो लेयर बनाएंगे, तो इसी तरह से हमें एक और तैयार करना है। आप चाहें तो दो या तीन लेयर भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो उसके लिए आप पहले आप नीचे बड़ा वाला रखेंगे, उसके बाद छोटा, उससे थोड़ा और छोटा, तो इसके आप तीन लेयर बना सकते हैं, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप से तीन सेम लेयर बनाइए। ये देखिए मेरा लेयर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया है कि इसका एंड कंप्लीट करने के लिए, तो जिस थ्रेड पे हम थ्रेड से हम डबल हिच नॉट बना रहे थे उससे हम बाकी के जो चारों तरफ बचे हुए थ्रेड्स हैं जो जिस पे हम बना रहे थे उनसे अब हम इस पे डबल हिच नॉट बनाएंगे। अभी हमारा तो पिक्चर में जिस वीडियो में अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा एक और थ्रेड ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। आप देखिए,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको फिनिश कर दिया है, और फिनिश करने के बाद मैं इसकी जो जो बॉर्डर है वो कैसे कर रही हूँ ये आपको देखना है। तो बॉर्डर में जिस थ्रेड से हम डबल एज नॉट बना रहे थे उस पे अब बाकी के थ्रेड से डबल एज नॉट बना रहे हैं, और ये आपका तरीका है जिससे आप लोग बनाते हैं। और क्योंकि इसके थ्रेड एकदम से छोटे हैं, इतने लंबे नहीं हैं, तो इसलिए अब इसमें आसानी हो रही है ये वाले तरीके से डबल एज नॉट बनाने में, ये देखिए। और क्योंकि इन थ्रेड्स के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको बहुत टाइट करने की कोशिश मत कीजिए बीच में, क्योंकि ये फिर बाउल के शेप में आने लगेगा फिर से। तो ऐसे ऐसे करके मैं पूरे चारों तरफ डबल एच नॉट लगा दूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मैंने डबल हिच नॉट लगा दिए हैं। यहाँ पे बस दो चार थ्रेड ही बचे हैं, इसके बाद हम एंड कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए कि मैं नॉर्मल तरीके से डबल हिच नॉट लगा रही हूँ, और बीच में क्योंकि थ्रेड्स के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा था, मैंने उनको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया है। तो यहाँ से हमारा चारों तरफ की एंडिंग ख़त्म हो गई है, और हमारी बॉर्डर भी बन गई है इसकी। और इसके बाद में हमने इसको एक दूसरे में, जो साइड के थ्रेड्स होंगे उनको एक दूसरे पे टाई कर दिया है। और ये देखिए इस टाइप से एक हल्का सा मुड़ा हुआ बाउल दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि ये कलर भी बहुत सुंदर है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल दिख रहा है। जो हमारा लंबा वाला थ्रेड था जिसपे हम डबल इंच लास्ट में बना रहे थे, उसको भी हम ऐसे काट देंगे। बेसिकली मैंने उसको थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि मैं उस पर इसको टाई करने वाली हूँ। और इस तरह से आप छोटा मशरूम भी बना सकते हैं, ये मशरूम जैसा दिख रहा है। मैं मशरूम का वीडियो भी जल्दी ही डालूंगी, क्योंकि मुझे भी एक प्रोजेक्ट के लिए मशरूम बनाना है। आप चाहें तो इस तरह से भी मशरूम बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करने के बाद मैंने यहाँ पे रैप करके इन सारे थ्रेड्स को टाई कर दिया है। उसके बाद में मैंने जैसे बताया था, हम दूसरी लेयर रेडी करेंगे।
जैसे कि मैंने बोला था, मैंने एक छोटी लेयर और तैयार कर ली है जो हम इसके ऊपर ऐड करने वाले हैं। तो उसके बाद में हमने ये छोटा सा जो उस छोटे साइज का कोरल बनाया है या दूसरी लेयर बनाई है, अब इसके इसकी साइड भी हमने बना रखी है। उसके बाद में हमें इसको ऐसे अच्छे से उस पर बैठे, जैसे ये एकदम चिपका हुआ ना दिखाई दे कोरल पे, उसके लिए मैंने हमें थोड़ी सी बॉर्डर बनाई है और ऊंची करने के लिए। तो उसके मैंने एक दूसरा थ्रेड ऐड किया है, इसमें मैं दो लाइन डबल हिज नॉट की बनाऊंगी जो कि आप देखेंगे। और उसके बाद में हम बस आसानी से इनके जो बचे हुए थ्रेड्स होंगे उनको नीचे ले जाके टाई कर सकते हैं या दूसरी साइड ले जाके आराम से टाई कर सकते हैं और ये इस पर ऐसे सिट कर जाएगा।
तो आपको इस तरह से दो लाइन कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैं आप देख रहे हैं मैंने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर दी है। दो लाइन बनने के बाद ये थोड़ा सा साइड इसकी ऊंची दिखती है। तो इसके बाद में हमने क्या करना है, चारों तरफ से दो दो थ्रेड निकाल लेने हैं और आप जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं कि आप कितना सिक्योर करना चाहते हैं वो अपना कोरल उसके ऊपर जो जिसके ऊपर लगाएंगे तो उसके हिसाब से है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो तीन साइड या चार साइड दो 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 लाइन निकाल दी हैं। और उसके बाद में हम जब इसको ऐसे अपने बड़े वाले कोरल के ऊपर रखेंगे तो नीचे ये दो लाइन निकाल नीचे की तरफ से खींच लेंगे हम हुक क्रोशे हुक की यूज़ करके, और उसके बाद में इनको अंदर की तरफ टाई कर देंगे। देखिए मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने क्रोशिया वाला हुक यूज़ किया है, इसको थ्रेड्स को नीचे ले जाने के लिए। और जब हम थ्रेड्स को नीचे ले जाएंगे तो उसके बाद में हम इनको दोनों थ्रेड्स को पास में ले जाके, ये देखिए क्योंकि हमारा नीचे आसानी से थ्रेड आप एक दूसरे इधर से उधर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने ऐसे टाई कर दिया है और ये बहुत ही ईजीली आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बाकी के थ्रेड्स को आप सेम तरीके से आप इनको चाहें तो काट दें, चाहें तो आप उसके अंदर ही रख दें, या बेसिकली ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इतना इसको। ये ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है। अब इस बाकी के थ्रेड्स के साथ भी सेम तरीका अपनाना है और आपका ये कोरल रेडी है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब आपके वॉल हैंगिंग में ऐड होता है, क्योंकि ये कोरल्स सी के बहुत ही चार्मिंग कोरल्स में से एक है। जब आप अपने वॉल हैंगिंग में से ऐड करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप चाहें तो किसी और कलर से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए, क्योंकि मैं कुछ डेफिनेटली नया बनाने वाली हूँ इस बार। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।